नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं दिल की धड़कन से संबंधित रोगों के बारे में। ये बात सही है कि जब कोई इमोशनल चीज़ होती है या हम किसी उत्तेजना में होते हैं या डर में होते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि धक धक करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा और तुम दिल की धड़कन हो, और बहुत सारी ऐसी बातें करी जाती हैं दिल की धड़कनों के बारे में। लेकिन यदि सामान्य अवस्था में ये दिल की धड़कन बढ़ रही है और कम हो रही है तो कोई भी बात नहीं, ये स्वाभाविक है, ऐसा शरीर में होता है, हम सबको हुआ है ये एक बार या दो बार या कई बार जीवन में। लेकिन जब कभी दिल की धड़कन रोग के कारण किसी कारण से कम या ज़्यादा होने लग जाए तब ये बड़ी मुश्किल का कारण होता है, क्योंकि दिल जो है सारे शरीर में खून को भेजता है और धड़कन जो है खून के पंप को भी निर्धारित करती है और कई परेशानियां को जन्म देती है। और ये बीमारियां कम नहीं, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके विशेषज्ञ बहुत कम हैं। ऐसे एक विशेषज्ञ को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास को, जो कि DM कार्डियोलॉजी हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MD करा, फिर GB पंत मेडिकल कॉलेज से DM कार्डियोलॉजी किया और आप इंदौर में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही ऐसे चुनिंदा सर्जनों में से हैं देश में, कार्डियोलॉजिस्ट में से हैं जो कि दिल की धड़कन की सर्जरी करते हैं, वो भी बहुत ही नॉन इन्वेजिव तरीके से, यानी जिसमें चीरा वगैरह नहीं लगता है। तो हम देखते हैं क्या है ये एरिदमिया, कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती हैं, कब हमको सजग हो जाना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे हम डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास से। और दो हमारी फ़ोन लाइनें आपके लिए खुली हुई हैं, अगर आपके मन में दिल से धड़कन संबंधित कोई बीमारी हो या आपको कोई जिज्ञासा हो तो हमारे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, एक नंबर है 07552660049 और एक टोल फ्री नंबर है हमारा, अर्थात इस पर फ़ोन करने का आपको शुल्क नहीं लगेगा, 1800-233-00-0040 नंबर आपके स्क्रीन पर भी है। तो डॉक्टर साहब, एरिदमिया या दिल संबंधित धड़कनों की हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ऐसे दो चार हुए हमारे बीच में जिनमें कहा कि माता जी की दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर हो गई थी और बाद में उनको पेसमेकर लगाना पड़ा। तो क्या होता है डॉक्टर साहब, और कितनी आपकी प्रैक्टिस में कार्डियोलॉजी के अंदर दिल की धड़कन से संबंधित रोगों के मरीज़ आते हैं, और ये क्या है वास्तव में ओल्ड लोगों को ही होती है या किसी और को भी हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो धन्यवाद इस सवाल के लिए, बड़ा रोचक सवाल है और व्यापक भी। हृदय के रोग अलग अलग रूप लेके आते हैं। असल में हमारा हृदय हमारे शरीर में एक इंजन की तरह काम करता है। तो जैसे इंजन में फ्यूल सप्लाई, स्पार्क प्लग और पिस्टन होते हैं, वैसे प्रकृति ने हमारे हृदय के अंदर भी इस तरह की संरचना की है। इसमें चार चैम्बर्स होते हैं जो दो पैरेलल सर्किट में रक्त को प्रवाहित करते हैं। जब वो रक्त प्रवाहित होता है तो हमारा शरीर चलता है। अब ये बराबर रक्त प्रवाहित हो उसके लिए हृदय को भी एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी उसको ब्लड सप्लाई से मिलती है, जिसमें ब्लॉकेज इत्यादि होने से सामान्यतः हम हार्ट अटैक इत्यादि समझते हैं। उसका एक पिस्टन का सिस्टम होता है जो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें एक स्पार्क प्लग का सर्किट होता है। वो स्पार्क प्लग का सर्किट इस तरह रहता है जिससे बिजली बनती है और पूरे हृदय में प्रवाहित होती है। जब वो बिजली हार्ट की मसल्स को स्टिमुलेट करती है तो हार्ट पंप करता है। अगर ये बिजली बहुत तेज़ी गति से पहुँचे तो हार्ट ज़्यादा तेज़ी गति से पंप करता है, और अगर वो बिजली बनने में या उसके कंडक्शन में कहीं ब्लॉक आए तो हार्ट धीमी गति से पंप करता है। या फिर कभी कभी बिजली अनियमित बनती है और अनियमित जाती तो हृदय अनियमित रूप से धड़कता है। यही विषय वस्तु, यही बीमारियों का जो समूह है, इसको हम अरिथमिया कहते हैं, माने हार्ट की रिदम का डिस्टरबेंस। ये किसी भी एज में देखने में आ सकता है। कभी कभी नवजात शिशुओं में इस तरह की बीमारी देखने में आती है जिसमें उनकी हृदय की गति बढ़ी हुई है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टेकीकार्डिया बोलते हैं। कभी कभी मिडिल एज ग्रुप में देखने में आती है जिसमें हृदय की गति तेज बढ़ जाती है आकस्मिक बैठे बैठे, और कभी कभी ओल्ड एज में देखने में आती है जिसमें हृदय की गति अनियमित हो जाती है या फिर अत्यधिक कम हो जाती है। अगर हृदय की गति सुचारू रूप से काम नहीं करेगी तो हृदय का जो फंक्शन है, पंपिंग फंक्शन, वो अफेक्ट होता है। उस अवस्था में हार्ट अपने बराबर ब्लड के सर्कुलेशन के फंक्शन को कर नहीं पाता। इससे शरीर में अनेक तरह के लक्षण होते हैं, जैसे आँखों के सामने अंधेरा आना,
बेहोश होना, चलने में सांस फूलना, थकान होना, धड़कन का एहसास होना जिसे हम पाल्पिटेशन बोलते हैं, जी इस तरह के लक्षण अगर किसी सामान्य व्यक्ति में हो तो अरिदमिया की संभावना हो सकती है। ऐसे लक्षण किसी इमोशनल उत्तेजना की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे आपने शुरुआत जी में जी कहा था कि किसी का कोई युवावस्था में किसी का दिल तेजी से धड़कने लगता है किसी को देख के, या फिर किसी का दिल टूट जाता है। ये अवस्था इमोशनल है, ये सामान्य है, फिजियोलॉजिकल है, बट जो अरिदमिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये हृदय की बीमारी है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बोला कि बच्चों के अंदर भी होने लगती है, कई लोग हमसे बोलते हैं कि साहब बच्चों की धड़कन जो रहती है नॉर्मली भी तेज़ रहती है, जी हाँ कई बार कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं जिनकी धड़कन वैसे भी कम रहती जी है, हाँ तो आखिर ये नॉर्मल धड़कन क्या होती है, किस उम्र में कितनी धड़कन होनी चाहिए, ये कैसे पता करें? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। तो हृदय की धड़कन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है रेट और दूसरा होता है रिदम, जिसे हम गति और लय बोल के समझ सकते हैं। तो हृदय की गति वो है जो 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़क रहा है, जिससे हमें पल्स फील होती है, जिसे हम ECG में नाप सकते हैं। और एक होता है लय, मतलब हार्ट की जो बिजली की गति है वो सुचारू रूप से कंडक्ट होके पहुंच रही है कि नहीं। ये रिदम और रेट दोनों के डिस्टरबेंस अरिदमिया का रूप ले सकते हैं। जो सामान्य सीमा है किसी भी व्यक्ति के हृदय की गति की, वो उसकी आयु, उसके इमोशनल स्टेट, उसकी स्थिति, अगर वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो दौड़ लगा रहा है, इस पे बहुत सारे विषयों पे डिपेंड करती है डिपेंड करती है। जी। अगर व्यक्ति सो रहा है तो उसकी हृदय की गति 30-40 हो सकती है। अगर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है और वो अभ्यस्त नहीं है एक्सरसाइज के, तो उसकी हृदय की गति 180 हो सकती है। छोटे आयु में, कम आयु में यूजुअली रेस्टिंग हार्ट रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और एथलीट्स की बॉडी चूंकि ज़्यादा एडाप्टेड रहती है और बहुत एफिशिएंट सिस्टम रहता है, इसलिए एथलीट्स में जो कई धावक रहते हैं उनकी रेस्टिंग हार्ट रेट लोअर साइड रहती है। तो कोई भी व्यक्ति की सामान्य हृदय की धड़कन जो हम समझते हैं कि 70 से 90 के बीच है प्रति मिनट, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है, वो किस स्थिति में है, उसका इमोशनल स्टेट कैसा है, और उसको कोई दूसरी कोएग्जिस्टिंग बीमारियां तो नहीं है, जैसे थायराइड की बीमारी होने पे या बुखार होने पे ही मात्र हृदय की धड़कन बढ़ बढ़ सकती है। जाते हैं। बहुत ही अच्छा और विस्तार से बताया डॉक्टर साहब ने कि देखिए सामान्यतः तो 70 से 90 रहती है और बच्चों के अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती है, जो आपको अपने बच्चों का डॉक्टर भी बताता है, लेकिन अगर इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है जबकि आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया थायराइड है, बुखार में भी पड़ जाती है, इमोशनल स्ट्रेस में भी पड़ जाती है, अगर इसके अलावा भी जैसा उन्होंने बताया कि अगर आँख के सामने अंधेरा छा रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रही है और कई बार नाड़ी जो है फील ही नहीं हो रही है या बीच बीच में गायब हो रही है, तो इस तरीके की चीज़ों में आपको निश्चित रूप से अपने कार्डियोलॉजिस्ट को देखना चाहिए कि कोई हार्ट की रिदम की डिसऑर्डर तो नहीं है। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए आपका नमस्कार, सवाल। नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की 1 मिनट में हमें आवाज़ नहीं मिल रही है यहाँ पर, नहीं तो शायद फोल्ड बैक हमारा खुला हुआ नहीं है। खान पान की कौन सी चीजें अपनानी चाहिए जो हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, तीसरी चीज एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो आदमी कभी काम ही नहीं किया है वो ज्यादा काम करता है, हार्ट ज्यादा भागता है, तो उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? तीन बातें हैं साहब इनकी। एक तो ये कहते हैं कि एक तो हार्ट कैसे स्वस्थ रखें, हाँ। दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि जो गति, कई लोग अचानक से अगर बहुत भाग दौड़ करने लग जाएं तो एकदम से गति बढ़ जाती है, ऐसे में क्या होना चाहिए, ये इनका सवाल है। हाँ। तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे हृदय का ख्याल कैसे रखें, ये बड़ा विस्तृत सवाल है और उसको संक्षिप्त में बता पाना बड़ा मुश्किल है, बट मेरे विचार से हमें कुछ चीज़ों पे नियम, संतुलन और नियंत्रण रखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, हमारा आहार, मतलब हमारा खान पान, तो हमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, रीयूज्ड फैट का सेवन कम करना चाहिए। हमारा विहार, विहार का मतलब हमारा एक्सरसाइज, मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कि हम नित्य दैनिक कर्म में कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना पैदल चल रहे हैं, कितना साइकिल चला रहे हैं, कितना दौड़ लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा आचार, आचार का मतलब हमारी आदतें, जैसे कहीं हम धूम्रपान तो नहीं कर रहे, कहीं हम अत्यधिक मदिरा पान तो नहीं कर रहे, कहीं हम लेट खाना खा के लेट तो नहीं उठ रहे। उसके बाद हमारा व्यवहार, मतलब हमारा आसपास के लोगों के साथ हमारा आपसी इंटरेक्शन, और हमारे विचार, मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो इन 5 चीज़ों पे अगर हम नियंत्रण, नियमित और संतुलित रखें
तो हमारा हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा पूरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो दूसरा आपका सवाल है कि वो व्यक्ति जिसने कभी कोई व्यायाम नहीं करा, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, और वो अचानक कोई हैवी वर्कलोड करना चालू कर दे, तो क्या उसके हृदय पे बुरा असर पड़ सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल पड़ सकता है। और आजकल ऐसे केसेस काफ़ी देखने में आ रहे हैं जी कि वे व्यक्ति औसतन मिडिल एज ग्रुप के लोग जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी और जिम में जाके भारी वजन उठाना या TMT पे दौड़ लगाना आकस्मिक रूप से चालू करा, तो उनको हृदयाघात हो सकता है, उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो सकती है। तो व्यायाम को हमें बड़ा संजीदगी से लेना है, धीमे धीमे करके स्टार्ट करना है। अगर एक एज तक हमने नियमित रूप से व्यायाम नहीं करा है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेके कुछ ज़रूरी जांचें करा के फिर उस व्यायाम के प्रोग्राम को एड्रेस करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर साहब ने कि व्यायाम, और नंदस्वरूप मिश्रा जी ने भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि एकदम से अपने को अचानक से उत्साहित होकर किसी भी चीज़ को नहीं करना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लें और ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ाएं। हरदा से मोहन पाटीदार जी भी जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मोहन पाटीदार जी, स्वागत है आपका, पूछिए नमस्कार अपना सवाल। नमस्कार। पहले तो मैं MP की जनता को, मतलब हम एहसान मैंने जो डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास अब हमारे बीच में है, इनका काफी नाम सुन रखा था हम लोगों ने, और आज उनके दर्शन भी हो गए हैं, और विशेष जो भी टर्म में इनकी काफी चर्चाएं होती है, तो हम भाग्यशाली है MP के लोग। तो मैं ये सवाल जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि एक वॉकिंग करते हैं हम जैसे 30 या 40 मिनट की, तो उस समय हार्ट रेट अगर 110 से 120 अगर होती है तो कोई दिक्कत तो नहीं? और उस मोहन समय भैया, अगर चेस्ट में अगर पेन होता है तो उसको नॉर्मली लिया जाए या मतलब उसको हार्डर से जोड़ा जाए? मोहन भैया, रोचक सवाल है आपका। जब भी हम कोई भी व्यायाम करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे हृदय को हमारी मांसपेशियों में ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुँचाने की जिम्मेदारी पहुँचती है। अब हमारी शरीर में जो रक्त का वॉल्यूम है वो तो सेम है, तो हृदय ये एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी धड़कन की गति को बढ़ा के पूरी करता है। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, जब वो पैदल चलता है, तो उसके हृदय की गति बढ़ना स्वाभाविक है, और ऐसी अवस्था में कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज या मामूली से एक्सर्शन से अगर हृदय की गति बहुत अत्यधिक तेज हो जाए, 180 या 200, तो ज़रूर चिंता का विषय हो सकता है, जिसके लिए हम नज़दीकी चिकित्सक से मिल के उपाय जान सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। बट थोड़ी सी हृदय की गति बढ़ना एज के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ स्वाभाविक है, और उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि अगर व्यक्ति को एक्सर्शन करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त छाती में दर्द हो, तो क्या ये चिंता का विषय हो सकता है? तो हाँ, ये चिंता का विषय हो सकता है। एक्सर्शन करने पर होने वाला छाती का दर्द एंजाइना हो सकता है। एंजाइना हृदय की नलियों के ब्लॉकेज फलस्वरूप लक्षण होता है। जब व्यक्ति आराम से बैठा है तो उसके हृदय की सप्लाई और डिमांड मीट आउट होती है। जब व्यक्ति एक्सर्ट करता है तो हृदय को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने शरीर को चलाने के लिए। ऐसी अवस्था में हृदय की डिमांड बढ़ती है, और अगर वो मीट आउट नहीं होती तो छाती में दर्द होता है, जिससे एंजाइना हो सकता है। इस तरह के लक्षण होने पर हमें नज़दीकी चिकित्सक से मिलना चाहिए। आमतौर पर छाती में होने वाला दर्द अगर बैठे हुए या रेस्टिंग स्टेट में है, और उसका संबंध खाने से है कि खाली पेट होने पे हो रहा है, तो सामान्यतः वो हृदय से संबंधित नहीं रहता। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दी डॉक्टर साहब ने कि यदि एक्जर्शन करने पर दर्द होता है तो उसको टालना नहीं है, उसको इमीडिएटली किसी को दिखाना है, क्योंकि उन्होंने बोला ना एंजाइना हो सकता है, जो कि एक हृदय की बीमारी होती है जो बहुत सारी बड़ी बीमारियों की तरफ संकेत करती है। डॉक्टर साहब सागर से जुड़ गए विपिन जी, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। स्वागत जी सर। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। दो सवाल हैं सर मेरे। पहला सवाल सर यह है कि वायु प्रदूषण और रिफाइनरी ऑयल, ये हमारे हृदय को कितना अफेक्ट करते हैं, या फिर हमारे धड़कन को इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? और दूसरा सवाल सर ये था कि हृदय अगर कोई मेहनती काम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं अगर मेहनत वाला, तो हृदय की गति तेज होना ये तो नॉर्मल है, लेकिन हृदय की गति की आवाज़ सुनाई देना कि हमारा हृदय बहुत जोरों से धड़क रहा है और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो जो पहला सवाल है आपका कि जब हम ऑयल या हाँ रिफाइनरी रिफाइनरी ऑयल्स या वायु प्रदूषण से संबंधित जो आपका पहला सवाल है, तो वायु प्रदूषण
हमारे हृदय पे ही नहीं, हमारे फेफड़ों पे और हमारे समूचे स्वास्थ्य पे बुरा असर डालता है। इसके लिए वायु प्रदूषण से दूर रहना आवश्यक है। हमें अगर बहुत ज़्यादा जहाँ डस्ट है, जहाँ स्मोक है, वहाँ पे मास्क का उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः डायरेक्ट इफेक्ट हृदय पे एकदम नज़दीकी समय पे तो नहीं होता, बट हाँ लॉन्ग रन पे वो ज़रूर हृदय पे भी बुरा असर डालता है। और रिफाइंड ऑयल्स का जो कंजम्पशन है वो ज़रूर नुकसानदायक है, और उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है रीयूज्ड ऑयल्स। जैसे हम घर पे पका हुए खाने को वापस रीयूज़ करके रीफ्राई करते हैं, वो ज़रूर नुकसानदायक होता है। कई बार बाज़ारों में हम देखते हैं कि एक ही तेल के अंदर बार बार कचौड़ी तल तल के दिया जा रहा है। जी हाँ, इसीलिए बाहर का खान पान जो है इसलिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो रीयूज्ड ऑयल में बार बार पकता है। जब ऑयल बार बार रीहीट होता है तो उसमें कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो हमारे हृदय की नलियों के लिए और पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और जो दूसरा आपका सवाल है कि जब भी हम कोई शारीरिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारी धड़कन बढ़ना सामान्य बात है, बट क्या उस समय धड़कन की आवाज़ आने लगे तो वो सामान्य है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि वो सामान्य हो भी सकता है और असामान्य भी। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय आपके हृदय की धड़कन कितनी चल रही है। क्या वो धड़कन की आवाज़ आपको जब आ रही है जब आप बैठे हुए हैं और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ एक्सरसाइज करने पे आ रही है? और क्या वो कभी कभी आ रही है, हमेशा से ही आ रही है? अगर हमेशा से आ रही है तो ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, स्वाभाविक भी हो सकता है। आमतौर पर हमको हमारी हृदय की गति का अवेयरनेस नहीं होता जी। बट कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा सन्नाटे में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली उत्तेजित रहते हैं, तो हमारा जब दिल ज़ोर से धड़कता है तो हमें उसका आभास होने लगता है, तो वो कभी एबनॉर्मल हो सकता है। इसके लिए नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हृदय की धड़कन नॉर्मल है या एबनॉर्मल, उसका सबसे सीधा सच्चा जवाब एकमात्र ECG से किया जा सकता है, और ECG करके ये पता लगाया जा सकता है कि हृदय की धड़कन एबनॉर्मल चल रही है या नॉर्मल। तो डॉक्टर साहब, आपने बोला कि प्रदूषण, अब जैसे जो लोग स्मोक करते हैं वो तो खुद ही प्रदूषण ले रहे हैं, वो तो अच्छे AC में बैठ के भी स्मोक कर रहे हैं, तो क्या लंग अगर प्रभावित होगा, कई लोगों को लंग की बीमारी रहती है, उनकी भी सांस फूलने लगती है, तो ऐसे में भी दिल की धड़कन बदल जाती है क्या? हाँ, तो जो लोग धूम्रपान करते हैं वे तो खुद वायु प्रदूषण का से ग्रसित हो ही रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को भी वायु प्रदूषण से ग्रसित कर रहे हैं। धूम्रपान उन आदतों में जिनसे हृदय की बीमारी हो उनमें सबसे अव्वल दर्जे पे है, तो धूम्रपान से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए। और जी, तो धूम्रपान नहीं करना है, क्योंकि धूम्रपान बहुत ही महंगा पड़ेगा। आप एडवर्टाइजमेंट में भी सुनते हैं, लेकिन आजकल दुर्भाग्य से युवाओं में धूम्रपान की लत जो है दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, कई बार पीयर प्रेशर के कारण, कई बार स्टाइल बनने के लिए, लेकिन वो आपको प्रभावित है। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बोला, कई बार हमारे पास कई महिलाएं आती हैं, बोलती हैं डॉक्टर साहब हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है और हमको पता लगता है, तो ऐसी महिलाओं में क्या जांचें कराना चाहिए, कैसे पता लगे? तो यंग एज में स्पेशली जो बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस तरह के लक्षण और इस तरह की कंप्लेंस आमतौर पर देखने में आती हैं। इनमें से कुछ तो ज़रूर हृदय की संबंधित बीमारियों से संबंधित रहती है, बट ज़्यादातर केसेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मानसिक तनाव की वजह से होते हैं। कई बार ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनको रक्तहीनता रहती, गांव की हमारी आती हैं, उनको भी होता है क्या? बिल्कुल। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे हृदय को उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाने के लिए डबल गति से काम करना पड़ेगा, तो चूंकि उसको डबल गति से काम करना पड़ेगा तो हम ऐसे व्यक्ति की धड़कन नापेंगे तो ज़रूर उसका हृदय की गति बढ़ी हुई पाई जाएगी। ऐसी अवस्थाओं में जब कोई व्यक्ति धड़कन की कंप्लेंट्स करता है तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, और ECG के माध्यम से, मतलब बहुत बेसिक जाँचों से इसके डेप्थ तक पहुँच सकते हैं कि उस व्यक्ति को वाकई कोई हृदय से संबंधित बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कई बार आप ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग अपना वॉकर पे चल रहे हैं या कई बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेल्ट पे दौड़ रहे हैं, और उनको दुर्घटनाएं हो गई। तो एक बार हमारे एक मित्र गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि आपका स्ट्रेस टेस्ट करना है, और सब वो स्ट्रेस टेस्ट करने लगे, थोड़े 7-8 मिनट के बाद बोले रुक जाइए रुक जाइए, आपका जो है टारगेट हार्ट रेट अचीव हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाता है? जी हाँ, तो हर आयु के लिए एक टारगेट हार्ट रेट रहता है, ये कई सारी फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद पाया गया है। एज के साथ साथ टारगेट हार्ट रेट जो है वो कम होते जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, तो टारगेट हार्ट रेट वो हार्ट रेट है
जो ट्रेडमिल टेस्ट पे जिस हार्ट रेट पे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की हृदय की नलियों में ब्लॉकेज हैं या नहीं। तो जब भी कोई व्यक्ति को हम TMT कराते हैं तो हमारा टारगेट यह रहता है कि वो व्यक्ति एटलीस्ट उस टारगेट हार्ट रेट तक पहुँचे और एटलीस्ट 8 या 10 मिनट्स तक एक्सरसाइज करे। उससे उसकी ओवरऑल फंक्शनल कैपेसिटी और हृदय की गति का आकलन हो पाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने एक्सरसाइज के दौरान, TMT के दौरान स्पेशली, अपने टारगेट हार्ट रेट तक नहीं पहुंच पाया तो वो कई कारणों से हो सकता है। अगर वो व्यक्ति बीटा ब्लॉकर जैसी कोई दवाइयाँ ले रहा है या फिर उसके व्यक्ति के इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई बीमारी है, तो हम उस व्यक्ति को हृदय की नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं वो उससे संबंधित जवाब कंक्लूजन के साथ नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, समय हमारे पास आज बहुत कम है और बहुत सारी बातें करनी है। आपकी सर्जिकल वो जो इंटरवेंशन करते हैं उसकी तो बात ही नहीं हुई। एक हमारे मित्र की वाइफ थी, उनको तो इतनी तेज़ हार्ट दौड़ने लगता था कि वो बेहोश हो जाती थी, उनको दवाइयाँ देती थी। तो ऐसे में आप कुछ सर्जरी करते हैं क्या, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो एक जो जिस अरिथमिया के बारे में हमने बात की जी। उनमें एक स्थिति होती है, उसको बोलते हैं PSVT, पेरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये हमारे हृदय के इलेक्ट्रिक सर्किट में एक एक्स्ट्रा वायर या एक्स्ट्रा तार होने की वजह से होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सामान्यतः तो नॉर्मल रहता है, बट अचानक बैठे बैठे कभी भी उसकी हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है। जब वो हृदय की गति बहुत तेज होती है तो हृदय की धड़कन 200 की गति तक पहुंच सकती है। ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति की हृदय की गति बहुत तेज है तो उसको पंप करने की एफिशिएंसी उसकी अफेक्ट होती है। उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उसको बहुत तेज धड़कन का एहसास हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश होकर गिर सकता है। ये अवस्था रिकरेंट होती है, बार बार होती है। इससे दूरगामी समय में हृदय के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता, बट बार बार धड़कन तेज बढ़ने की वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए बार बार हॉस्पिटल एडमिशन्स इत्यादि होने पड़ते हैं, और कभी कभी रेयरली ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि पैरों की नसों के रास्ते हार्ट के अंदर जाते हैं एक्सरे की पिक्चर में देख के, और एक मशीन के साथ उसका असिस्टेंस लेके, जिसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, EPS सिस्टम, EP सिस्टम पे हम EP स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी, और उस एक्स्ट्रा वायर को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के द्वारा हटा देते हैं। एक बार हटाने के बाद वो दिक्कत बार बार नहीं होती, वो एक तरह से उसकी बीमारी का कंप्लीट क्योर हो जाता है। बहुत ही बड़ा चमत्कार है। आप देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो डॉक्टर साहब जो करते हैं कि दिल की धड़कन 200-200 तक पहुंच जाती थी और घर वाले परेशान हो जाते थे, बार बार एडमिशन होता था, लेकिन जैसे एंजियोग्राफी होती है उसी तरीके से नस के जरिए वो अंदर गए, और जैसे इलेक्ट्रिक में कोई सर्किट अपना बवाल करने लगा तो उसको जाके रेडियो फ्रिक्वेंसी से उस पर्टिकुलर सर्किट को आप पहचान जाते हैं वहाँ पर कि कौन परेशान कर रहा है, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये दिल की धड़कन कभी भी दोबारा से तेज बढ़ती नहीं। तेज बढ़ती नहीं है, तो इसका परमानेंट क्योर हो जाता है। और नहीं तो अगर नहीं कराएं तो कई बार जैसा बताया उन्होंने, रेयरली हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये दिल की धड़कनें जो हैं वो कई परिस्थितियों में अनियमित हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन उसके दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और उसका ऐसा इलाज भी उपलब्ध है जिससे ऐसी इंट्रैक्टेबल जो धड़कन बढ़ जाती है उसको भी ये ठीक कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी दिल की धड़कनों को नापते रहें, अगर वह अनायास इधर उधर भग रही हैं तो ज़रूर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको दिखाएं, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको धड़कन संबंधित कोई बीमारी हो। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी रोचक तरीके धन्यवाद से आपने इतनी पूरी जानकारी दी, धन्यवाद, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि हम अपना सेकंड सेगमेंट लेने वाले हैं जिसके अंदर हम बातचीत करेंगे डायबिटीज़ के अंदर आंखों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पर फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे दूसरे सेगमेंट में हम मधुमेह का आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि हमारा देश जो है डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाला है। हमारे देश में हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही लोगों को डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है, और डायबिटीज़ जो है वो आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। क्या प्रभाव डालती है और कैसे समय रहते उसको बचाया जाए, क्या कोई सर्जिकल मेथड भी है जिससे अगर डायबिटीज़ से आँखें बहुत ख़राब हो गई हैं तो उसको ठीक किया जा सके, ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आपने दिल्ली से अपनी पीजी करी और उसके बाद रेटिना के ऊपर विशेष फेलोशिप इन्होंने प्राप्त करी नारायण संस्थान बेंगलोर से, जो कि आई का बहुत ही देश में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर सुमित, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेविलेंट हो रही है, तो आपकी प्रैक्टिस में डायबिटीज़ के कितने मरीज़ आते हैं और उनका आँखों पर क्या वास्तव में प्रभाव पड़ चुका रहता है तब वो लोग आते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ तो साइलेंट किलर है, आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है सर। डायबिटीज़ बिल्कुल साइलेंट किलर है आँखों की नज़र का। मैं एक रेटना स्पेशलिस्ट हूँ, सो मेरी प्रैक्टिस में 80% पेशेंट्स डायबिटीज़ रोग से ग्रसित आते हैं, और उनके पर्दे पे जब बहुत एडवांस स्टेज का इफ़ेक्ट आ जाता है तब वो आते हैं हमारे पास चेकअप के लिए। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि डायबिटीज़ की जो शुरुआती स्टेजेस हैं उसका कोई भी लक्षण नहीं होता है। नज़र 6x6 होती है, नज़र बिल्कुल क्लियर होती है, आँख में ना कोई दर्द, ना जलन, ना लालपन, बस फिर आगे की स्टेज जैसे ही आती है तो नज़र कम होना स्टार्ट होती है। दो या तीन कारण होते हैं डायबिटीज़ की वजह से नज़र कम होने के। डॉक्टर साहब, हम कारण लेते हैं। त्रिशा अग्रवाल जी इंदौर से आपके शहर से जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। त्रिशा, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आँखों में इंजेक्शन क्या कोई ट्रीटमेंट है आँख के रोगों को ट्रीट करने के लिए, और किस तरीके से इंजेक्शन आँखों में लगाया जाता है? जी बहुत ही अच्छा सवाल है त्रिशा जी। आँखों में इंजेक्शन सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, बट ये डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम रेटिना में आती है उसको डील करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। यदि पर्दे में कोई सूजन आ रही है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, या फिर पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में आँखों में इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं और इससे पर्दे की सूजन बिल्कुल चली जाती है और डायबिटीज़ के जो स्टेज है उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो इसे लगाना बहुत अच्छा रहता है, बट इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसे टाइमली लगाया जाए। समय रहते इसे हम लगा लेते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। थोड़ा सा डर लगता है कि आँख में इंजेक्शन लगेगा, बट ये बहुत ही पेन फ्री, बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है और इसे जब भी एडवाइस कराया जाए बिना देरी के लगवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बेहोश कर देते होंगे आप तो मरीजों को? बेहोश नहीं करते हैं सर। अच्छा, इसमें हम स्पेशल ड्रॉप्स होती हैं जिसे हम एनेस्थेटिक ड्रॉप्स कहते हैं, वो ड्रॉप्स हम डालते हैं। पूरा प्रोसीजर जो आई इंजेक्शन का कुल मिला के 30 सेकेंड में कम्प्लीट हो जाता है। एक पट्टी रहती है आँख पे जो 2 घंटे बाद मरीज़ अपने घर पे ही अपने हाथ से खोल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जब बोला तो मैं भी डर गया। त्रिशा जी, आपने सवाल पूछा कि आँख में इंजेक्शन लगाना तो वास्तव में डरावना है, तो मुझे लगा बेहोश करके लगाते होंगे, लेकिन बता रहा है कि 3-4 ड्रॉप डाल देते हैं उससे एनेस्थीसिया हो जाता है और कुछ सेकंड के अंदर इंजेक्शन लग जाता है जो रेटिनोपैथी को रिवर्स। डॉक्टर साहब, एक आँख का मॉडल लाएँ, पहले हमें ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि भाई रेटिना कहाँ है, लेंस कहाँ है, पुतली कहाँ है, थोड़ा पता लग जाए। एक मैं इस मॉडल के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि हमारा आँख का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी दिख रहा है। बेसिकली हमारा आँख आगे से पीछे तक लाइट को फोकस करने का एक डिवाइस है, एक कैमरे जैसा यदि हम इसे हम समझें। तो आगे वाला जो हिस्सा है कॉर्निया और लेंस, इसका काम होता है लाइट को अंदर लाना और उसे फोकस करना। फोकस अब किस पे होता है? सो ये जो पिछला वाला हिस्सा है हमारा, ये होता है हमारा कैमरे की फिल्म जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 10 अलग अलग लेयर्स होती हैं इसमें स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स की, और ये इसका काम होता है बेसिकली जो लाइट सिग्नल है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और फिर ये आँख की नस के थ्रू ये हमें ब्रेन तक जाता है सिग्नल और ये सुंदर संसार हमें दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब, अब आपने तो बताया कि ये बिल्कुल पीछे है और आँख में जैसे बाहर कुछ हो जाए, जैसे मोतियाबिंद हो जाए, तो कई बार लोग बोलते हैं दिख नहीं रहा है और उसमें वाइट वाइट दिखने लगता है, कई लोगों को सफ़ेद सफ़ेद कुछ पड़ जाता है,
ये तो पीछे खराबी हो रही है और वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इतना महत्वपूर्ण काम करता है और डायबिटीज़ उसके ऊपर प्रभाव डाल देती है, तो ये देखेंगे आम आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा। नहीं सर, क्या लक्षण रहेंगे प्रारंभिक रेटिना की बीमारी के? रेटिना की बीमारी सर जैसा मैंने बताया कि शुरुआती स्टेज में तो इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, बाद में जब ये एडवांस हो जाती है तो आँख के अंदर या तो सूजन आ सकती है या फिर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में आँख की नज़र कम हो जाएगी और मुख्यतः ये सेंट्रल विजन को इफेक्ट करती है, यानी जो आप अपना नज़र का क्षेत्र है उसका जो केंद्रीय हिस्सा है बीच वाले हिस्से में ये प्रॉब्लम करती है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो चेहरा साफ नहीं दिखेगा उनका, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जो आप अक्षर पे ध्यान दे रहे हैं वो साफ नहीं दिखेगा। इसके अलावा ब्लड अगर आ रहा है आँख में तो ऐसा लगेगा कि आँख के आगे बहुत सारे काले काले धब्बे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ आँख के आगे, इन्हें हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। सो ये इसके दो मेन लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है और मुझे 30 साल के अंदर डायबिटीज़ हो गई है, अब रेटिना में कुछ पता तो लग नहीं रहा है, तो मुझे कब कब चेकअप करा लेना चाहिए आपसे आके, और आप कैसे चेक करते हैं, फिर अंदर का कैसे देख लेते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है सर ये। एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा सभी अपनी ऑडियंस को कि यदि आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो हर साल कम से कम एक बार एक रेटिना स्पेशलिस्ट से या आई स्पेशलिस्ट से अपने रेटिना या आँख के पर्दे का चेकअप ज़रूर कराएं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को जल्दी पकड़ सकते हैं, और जल्दी पकड़ने पे हम इसका इलाज कर देते हैं तो जीवन भर आपकी नज़र अच्छी रहती है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है सर, डेफिनेटली रेटिना चेकअप करना ईजी काम नहीं होता है, बट इसके लिए हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी, ये डिवाइसेस के थ्रू हम रेटिना बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्पेशलाइज जांचें भी होती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन होता है बॉडी का, वैसे आँख का ओसीटी होता है। अच्छा। ओसीटी के ज़रिए हम बहुत ही डिटेल में, जैसे कि लाइट के थ्रू रेटिना की बायोप्सी हो जाती है और उसमें हमें दसों की दसों लेयर्स पर्दे की बहुत क्लियरली दिखती हैं। यदि पर मोतियाबिंद ज़्यादा है, आँख में सफ़ेदी है या ब्लड आया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड का भी यूज़ करते हैं, आँख का भी स्पेशलाइज अल्ट्रासाउंड होता है, और उस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए सर हम इसमें पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो अल्ट्रासाउंड में यूजुअली जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट पे एक प्रोब रखते हैं जी, अब वो आँख पे कुछ चीजें रख के करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, बंद आँखों पे करा जाता है ये। अच्छा। और जिस तरह जेल अल्ट्रासाउंड में लगाया जाता है उसी तरह का जेल हम यूज करते हैं, प्रोब इसका छोटा होता है ऑब्वियसली, पेट के लिए तो बहुत बड़ा प्रोब यूज करते हैं, तो उसके जरिए इसको हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कई बार बुलाते हैं और आँखों के अंदर दवाइयाँ डालते हैं और मरीज को बहुत देर तक बैठना पड़ता है कि भाई आपका ये डायलेट होगा, कई बार मरीज उससे मतलब उसको समय का कंस्ट्रेन रहता है, लेकिन ये जरूरी रहता है क्या? ये एक थोड़ी सी बाधा है डायबिटीज़ के रेटिना चेकअप के लिए। तो उसके लिए हम एक डिवाइस आता है आजकल जिसे हम कहते हैं नॉन मिडरियाटिक फंडस कैमरा, यानी कि बिना ड्रॉप्स डाले हम पर्दे की सीधे तस्वीर ले सकते हैं। तो उसमें ना कोई ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं, ना वेटिंग टाइम रहता है, और विद इन कुछ सेकेंड्स ही पर्दे की तस्वीर आ जाती है। इस तरह का डिवाइस हम हमारे फिजिशियन कलीग्स को बोलते हैं अपने पास रखने का, जो डायबिटीज़ के लोगों को पहली बार देख रहे हैं, और वो लोग इससे अपना फ़ोटो ले सकते हैं रेटिना का और हमें वो भेज के दिखा सकते हैं। यदि उनमें डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट निकलता है तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि हमारे पास उन्हें भेजें ताकि उनका समय पर हम इलाज कर सकें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुधा अग्रवाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ पूछिए जी, मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर से। हेलो, पूछिए पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हमको। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार हम जब चेकअप करने के लिए जाते हैं आई का, तो डायबिटीज की वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि खून उतर गया है आंखों में, उसको कैसे इलाज करते हैं जी? अब आपने भी जैसे बोला कि खून उतर जाता है और दिखना बंद हो जाता है, फ्लोटर होते हैं, कुछ नहीं, कैसे इलाज करते हैं? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है सुधा जी आपका। डायबिटीज़ की वजह से जो खून आँख के अंदर उतरता है उसे हम बोलते हैं विट्रस हैमरेज, और ये बहुत ही एक चिंताजनक सिचुएशन हो जाती है। सुबह हमें सब सही दिख रहा होता है, शाम तक नज़र बिल्कुल चली जाती है। सो ये बेसिकली आँख के अंदर ब्लड आ जाता है, और इसे क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि ब्लड बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका हम लेज़र कर सकते हैं, लेज़र करके जो फ्रेश ब्लड आ रहा है आँख में उसे रोक देते हैं, तो बॉडी अपनी नेचुरल प्रोसेस से उसको ब्लड को क्लियर कर देती है।
यदि ब्लड बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हमें सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं विट्रेक्टमी सर्जरी। विट्रेक्टमी सर्जरी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है इस ब्लड को क्लियर करने का, और सर्जरी के दौरान ही हम आँख के अंदर लेज़र भी कर देते हैं, जिससे कि ब्लड काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। ज़रूरी बात है कि समय पे इसका ट्रीटमेंट लिया जाए। बहुत से लोग डर के कारण या किसी चिंता के कारण अप्रोच नहीं करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। सो इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय पे जो इलाज हो जाता है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, और उसमें हम रोशनी को 100% तक बचा सकते हैं। आपकी इसी बात से डॉक्टर साहब मुझे याद आया कि करीब 15-20 साल पहले की बात है, हमारे एक टीचर थे, अचानक से वो इसी तरीके से उनको दिखना बंद हो गया। तो साहब उनको अचानक प्लेन से वो फिर दिल्ली गए, और दिल्ली जाके उन्होंने बोला साहब कि लेज़र से ट्रीटमेंट कराया और फिर उनकी रोशनी वापस आ गई। तो ये जो लेज़र आप बता रहे हैं, ये इंदौर में, भोपाल में, सब जगह उपलब्ध है क्या? आप लोग करते हैं ये ट्रीटमेंट? बहुत लेज़र ट्रीटमेंट तो रोज़ हम करते हैं, और लेज़र ट्रीटमेंट एक ऐसा तरीका है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए वरदान है, क्योंकि समय पे लेज़र जो हम कर देते हैं उससे जीवन भर सर रोशनी हम बचा सकते हैं। तो कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ऐसे लोग ब्लड थिनर पे भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ब्लड थिनर लेने से कहीं तो ऐसा नहीं होता कि माँ की ब्लड वेसल फट जाए और ब्लड? बिल्कुल भी नहीं सर, ये एक मिथ है जो, अच्छा है आपने ये पॉइंट रेस करा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है आँख में ब्लड आया है तो खून पतला करने की दवाई बंद कर दें, बट ये बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लड फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, कैपिलरीज ब्लॉक होने लगती हैं। सो ऐसे केस में यदि हम ब्लड थिनर नहीं लेंगे तो बॉडी तक, आँख तक ब्लड सप्लाई पहुँचेगा नहीं, तो प्रॉब्लम उल्टी बढ़ेगी, तो ट्रीटमेंट तो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर जो कैटरेक्ट भी जल्दी हो जाता जी है, तो कैसे पता लगेगा कि ये कैटरेक्ट से कम दिख रहा है या पीछे रेटिना में कुछ गड़बड़ चल रही है? सर इसके लिए डिटेल चेकअप ज़रूरी होता है आँख का, उसमें कैटरेक्ट तो हम देख के ही बता सकते हैं, स्लिट लैम्प करके हमारे पास एक डिवाइस होता है, उससे जब हम चेक करते हैं तो हम 100% श्योरिटी से बता सकते हैं कि कैटरेक्ट है या नहीं है। अब जैसे हार्ट के अंदर, जैसे भी कार्डियोलॉजिस्ट साहब बैठे हुए थे अभी यार, तो वो बोलते हैं कि साहब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ जा रही है, साहब ट्रिपल वेसल डिसीज़ है कि डबल वेसल डिसीज़ है, और हम एक दवा डालते हैं तो उससे घुल जाती है, या कई बार कुछ प्रोसीजर कर देते हैं। अब आपकी रेटिना को भी बहुत सारी ब्लड वेसल सप्लाई करती होंगी, तो आपको कैसे पता लगता है कि कहाँ से हुआ ये, कहाँ लेज़र मारना है, पता कर पाते हैं? बिल्कुल सर, आँख की भी एंजियोग्राफी होती है। अच्छा, आँख की एंजियोग्राफी हम बहुत कॉमनली करते हैं, इसमें इसी तरह का डाई हम डालते हैं और आँख के पर्दे की तस्वीर लेते हैं। अच्छा, तो एक एक ब्लड वेसल को हम उसमें देख सकते हैं, और कहाँ पे ब्लड सप्लाई है, कहाँ नहीं है, सारी डिटेल्स उसकी पता चल जाती है। लेज़र हम मुख्यतः उसी जगह पे करते हैं जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो हिस्सा पर्दे का बेसिकली काम नहीं कर रहा है, एंड पेरिफेरल हिस्सा जो रेटिना का है हमारी नज़र में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो डॉक्टर साहब, अब डायबिटीज़ तो आप देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, और हमारे यहाँ लोगों की डायबिटीज़ अनियंत्रित रहती है, HbA1c बहुत बढ़ा रहता है। एक बार कुछ आँख में हुआ, उन्होंने आपसे लेज़र करा लिया लेकिन डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं किया, तो ऐसे भी आपके पास मरीज़ आते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में जिनका एक बार लेज़र किया और दोबारा फिर खराबी हो गई और फिर आ गए? बहुत कॉमनली होता है सर, अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन ये रहता है। और ऐसे पेशेंट्स को मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि बेसिक जो चीज़ है, जब तक उसे हम ठीक नहीं करेंगे तब तक उसकी आगे की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। यदि आपको बुखार आ रहा है और आप सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लेते जाएं और इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करें तो आपका बुखार बार बार आता जाएगा। तो इसी तरह जब तक डायबिटीज़ को हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती जाएंगी, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना फाउंडेशन है सर। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, और बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कारण है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, जो डायबिटीज़ है, उसको हमको नियंत्रित करना पड़ेगा। वरना इनके पास ऐसे दुर्भाग्य से बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका एक बार लेज़र हुआ और लेकिन दोबारा फिर लेज़र करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे थे कि पेरिफेरी के अंदर कर देते तो वो हिस्सा काम नहीं करता, कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब मान लो किसी के जहाँ पर नज़र है वहीं पर ब्लीडिंग हो गई तो? हाँ, तो नज़र का जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है सर पर्दे का, वो होता है सेंट्रल पार्ट से। अच्छा। वो उसे हम कहते हैं मैक्यूला। सो मैक्यूला में जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नज़र बिल्कुल तुरंत कम हो जाती है, और मैक्यूला वाले हिस्से पे हम डायरेक्टली लेज़र नहीं करते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है उस पर हम अलग तरह से लेज़र करते हैं। लेज़र जो मेन कैटेगरी का करा जाता है वो पेरिफेरल हिस्से का ही करा जाता है। सेंट्रल हिस्से में यदि स्वेलिंग आई है तो उसके लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं,
और इंजेक्शंस के बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो ये सेंटर वाला पार्ट के आखिरी में प्रभावित होता है? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं अच्छा। है, किसी भी स्टेज पे सेंट्रल वाला पार्ट इफेक्ट हो सकता है। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है डायबिटीज़ की, कि नज़र कम होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो, कि 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो। कंट्रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि कंट्रोल बहुत अच्छा है डायबिटीज़ का, HbA1c लेवल हम मेजर करते हैं जो 3 महीने का एवरेज बताता है, जी जी जी। वो अगर हमारा 6, 6.5, 7 से कम है तो कम चांस है। तो अगर बीच वाले में मैक्यूला में भी कुछ हो गया और उसमें इंजेक्शन लगा दिया जी, तो उसमें भी 100% नज़र आ जाती, कई बार कुछ रह जाता है? समय पे यदि ट्रीटमेंट ले लिया है तो 100% नज़र वापस आ सकती है। यदि देरी हो जाती है तो रेटिना एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स को अभी तक मेडिकल साइंस रीजनरेट नहीं कर पाई है। सो रेटिना में नज़र को बचाना बहुत आसान है, एक बार नज़र चली जाती है तो उसके लिए हमें फिर काफ़ी ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आशा छोड़ दें, ट्रीटमेंट लेके जो नज़र है उसे तो हम बचा ही सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। लोग सब दुनिया भर की चीज़ें बदली जा रही हैं, कान के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट आ गया है जो कि जन्मजात मूक बधिर बच्चों को सुनाई देने लगता है, और नज़र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संवेदी अंग है। तो आप बताएं, आप तो कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, जगह जगह पेपर पढ़ते हैं, कुछ ऐसी रिसर्च भी चल रही है क्या जिसके अंदर अगर रेटिना कोई बदल दें या कुछ ऐसा हो जाए? जी, बहुत ये एक कॉमन सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है जो आपने उठाया है। रेटिना ट्रांसप्लांट अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, और आपको जान के शायद ये खुशी होगी कि एक आई ट्रांसप्लांट हुआ है। जी जी, आँख की आँख पूरी बदली गई है। US में एक वॉर वेटरन का फेस ट्रांसप्लांट के साथ आई बॉल ट्रांसप्लांट भी हुआ था, बट वो आई तो काम कर रही है बट उसमें नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व को हम ऐसा नहीं है कि कट करके और किसी और हिस्से में जोड़ें तो वो तुरंत काम करने लगे। तो रिसर्च इस पर चल रही है, आर्टिफिशियल रेटिना भी बनाए गए हैं, इम्प्लांट्स आते हैं ऐसे, बट वो उस तरह की नज़र नहीं दे पा रहे हैं अभी कि वो फंक्शनल हो, वो काम की नज़र हो, जस्ट एक लाइट का आभास होता है उसमें। तो डेफिनेटली रिसर्च चल रही है और कुछ वर्षों में मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू हमारे पास आएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीका का कोई ब्रेक थ्रू आए और जिससे ये भी ट्रांसप्लांट हो सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे डायबिटीज़ के साथ कई लोगों को डायबिटीज़ होती है, बाद में ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का कॉम्बिनेशन, या किसी को मान लीजिए अकेला ही ब्लड प्रेशर है, वो भी एक साइलेंट किलर माना जाता है, वो भी ब्लड वेसल को प्रभावित करता है, तो वो भी क्या रेटिना को कुछ बीमारियां पैदा करता है क्या? बिल्कुल सर, ब्लड प्रेशर की वजह से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है रेटिना में, उसे हम कहते हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजन। वेन ऑक्लूजन माने जो आँख से ब्लड दूर ले जा रही है हार्ट की तरफ, वो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बैक प्रेशर बनता है, पीछे का जो ब्लड सर्कुलेशन इकट्ठा होता जाता है और उससे पर्दे में सूजन आ सकती है। सो ये ब्रांच का भी हो सकता है ऑक्लूजन, बीच वाली वेसल का भी हो सकता है, तो उससे बेसिकली पर्दे में सूजन आती है और उसका हम लेज़र और इंजेक्शन से ट्रीटमेंट बखूबी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, ये लोग कहते हैं कि आँखें जो रहती हैं वो हमको दुनिया ही नहीं दिखाती, बल्कि आँखों के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों का भी पता लगा लेते हैं। जी, कई बार ये आँखों से ये पता लग जाता है कि साहब दिमाग में तो कोई ट्यूमर नहीं है, अंदर सूजन आ जाती है। आपने जैसे बताया एक जांच की, वो CT कराते हैं आप, अब CT NGO लोग करा रहे हैं क्योंकि लोगों को अंदर सुई नहीं लगवाना है। ये OCT जो सारी लेयर बता देती है, ये उतनी इफेक्टिव है जितना कि आप दवा डाल के देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, कि ये उससे भी ज़्यादा कारगर है। दोनों का अपना अपना रोल अलग है। OCT से हमें एक सेक्शन मिल जाता है उसका, दसों की लेयर्स हम चेक कर सकते हैं, और जो हम डायरेक्टली चेक करते हैं वो हम फ्रंट व्यू देखते हैं रेटिना का, तो उसमें ब्लड वेसल्स में कहाँ पे कुछ रुकावट है, कहीं पे ब्लड फ्लो रुका है, कहीं पे हेमरेजेस हैं, वो अपने रोल से दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने OCT कर लिया तो हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिकल भी चेक करना उतना ही ज़रूरी है। तो आपने बोला कि अगर डायबिटीज़ है तो साल में एक बार तो चेकअप करा लें। जी, कोई व्यक्ति जो है 50 साल के, 20 साल पुरानी डायबिटीज़, जी, अब उनको कितना रेगुलर चेकअप कराना है? मैं एक प्रोटोकॉल आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ख़ासकर अगर रेटिना रोग विशेषज्ञ वहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि रेटिना ज़्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल, मुख्यतः रेटिना ही होता है। सो इसमें डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शुरू के कुछ सालों में हमें पता ही नहीं चलता
की है डायबिटीज़, तो ड्यूरेशन कितनी है डायबिटीज़ की, कितने साल से है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए गाइडलाइंस यही है कि हर वर्ष एक बार हर डायबिटिक अपने रेटिना का चेकअप कराए। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो लोग इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हर वर्ष अपना चेकअप कराते रहते हैं, समहाउ उनको ये बीमारी होती भी नहीं है। या तो वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं या ज़्यादा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। सो ये एक एनेक्डोटल बात है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है, बट एक रेगुलर चेकअप हर साल एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, हमने उसको जल्दी चेक कर लिया, लेज़र करके ब्लड वेसल्स को सील कर दिया, तो जीवन भर के लिए आप बहुत प्रॉब्लम से बच जाते हैं। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो आदमी साल में एक बार अगर अपनी आँख को दिखाने की जहमत उठाएगा तो निश्चित रूप से वो अपनी डायबिटीज़ का भी ख्याल रखेगा बराबर, क्योंकि जब उसे अपनी आँखों की चिंता और डायबिटीज़ का कारण है तो डायबिटीज़ अगर वो कंट्रोल रखेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एच बी वन ए सी 6 या 7 के नीचे भी अगर वो रखता है तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी मदद मिलती है कि कोई डायबिटिक रेटिनो पे। डॉक्टर साहब आमतौर पर कई लोग बहुत ही स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ में पड़ते हैं, लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं और भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं, इनका भी कोई असर पड़ता है क्या आँख पर? डेफिनेटली पड़ता है। अगर हम डायबिटीज़ के रिस्पेक्ट में बात करें तो डायबिटीज़ में खून की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, तो कोई भी सडन अगर झटका लग रहा है या कोई स्ट्रेनियस एक्टिविटी हो रही है, जैसे वेट उठाना या इवन आँख को मसलना, ऐसी कंडीशन से ये खून की नसें ब्रेक हो सकती हैं और आँख के अंदर ब्लड आ सकता है। हमारे पास आते हैं मॉर्निंग में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो जिम कर रहे थे और सडनली उन्हें दिखना कम हो गया। सो इसका मतलब डायबिटीज़ है अगर, तो आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, रेटना डिटैच भी हो सकता है, पर्दे के अंदर कोई कमज़ोर हिस्सा है तो वो फट सकता है और पर्दा अपनी जगह से हट भी सकता है। एक बच्चा था डॉक्टर साहब, उसको खेल रहा था, डायबिटीज से रिलेटेड नहीं लेकिन रेटिना, वो उसको एक बॉल लगी और बॉल बहुत ही हल्की थी प्लास्टिक की, और उसको बॉल लगी और उसके बाद जो है 6 घंटे के भीतर जो है उसका विजन एकदम चला गया, और उसकी जांच करी गई तो बताया गया कि उसका रेटिना जो है डिटैच हो गया। तो ऐसे भी केसेस आते हैं? बहुत कॉमन आते हैं बॉल इंजरी, स्पेशली अगर बॉल थोड़ी छोटी है। बड़ी बॉल्स से हमारा जो बोनी स्केलेटन है, फेस का जो बोन्स है, वो आँख को बचा लेती हैं, बट छोटी बॉल्स हैं, स्पेशली अगर वो पिंग पोंग बॉल है या वो बाउंसी बॉल है, उससे आँख में लगने का चांस ज़्यादा रहता है, और उससे पर्दे के अंदर छेद हो सकते हैं, पर्दा फट सकता है और डिटैचमेंट बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो बहुत कॉमन चीज़ है। ऐसे अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जैसे कि बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, सो इसमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस ज़रूर पहने। आजकल पॉलीकार्बोनेट के ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव ग्लासेस बहुत अच्छे आते हैं, सो उन्हें आप पहने, जिससे कि अगर इंजरी हो भी तो आपकी आँख पे डायरेक्टली इंजरी ना हो। बहुत ही उपयोगी टिप्स दी डॉक्टर साहब ने, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ वालों को हम ये तो बोलते हैं कि व्यायाम करना है, और बैडमिंटन तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, और ये बता रहे हैं कि उसके अंदर भी पीछे छोटी सी गोल रहती है तो वो कई बार हिट कर सकती है, तो ऐसे में आपको चश्मे का उपयोग करना चाहिए ताकि एकदम से सडन झटका नहीं। डॉक्टर साहब एक डायबिटिक पेशेंट थे हमारे यहाँ, हमने देखा कि वो सुबह उठे तो अचानक से वो ये कंप्लेन करने लगे कि उनको डबल डबल दिखने लग गया। तो डायबिटीज़ के मरीजों में ऐसा भी होता है कि भेंगापन आ जाता है अचानक से सडनली? बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारी जो आँख है उसको कंट्रोल करने के लिए क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, और 6 अलग अलग मसल्स होती हैं जो आँख को अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। सो डायबिटीज़ में बेसिकली थ्रू आउट द बॉडी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, इसे हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। इसी तरह का ब्लॉकेज सर यदि अगर कोई उस तरह की नस में हो जाए, जैसे कि 3rd cranial नर्व है, उसमें अगर ब्लॉक हो जाए तो वो नस जो मांसपेशियों को सप्लाई कर रही है वो मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं। सो ये सारी मांसपेशियाँ एक बैलेंस में रखती हैं आँख को, और कोई भी मांसपेशी वीक हो गई तो दूसरी मांसपेशी की तरफ वो आँख डिविएट हो जाती है। सो मोस्ट कॉमनली आँख बाहर की तरफ चली जाती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं डायबिटिक्स में। इसमें मैनेजमेंट मोस्टली डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, और अगर सब कुछ कंट्रोल अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में 80% पेशेंट्स में अपने आप रिकवरी इसमें रूल हो जाती है। रूल हो जाता है। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप लोग कुछ सर्जरी करके भी इसको ठीक कर देते हैं? फिर ऐसी कंडीशन में हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास इन्हें रेफर करते हैं, जो न्यूरोसर्जन्स हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो अंदर देखते हैं कि और कोई कारण तो नहीं है, या ऐसा कोई बड़ा एरिया तो ब्रेन का स्ट्रोक तो नहीं हो गया है जिसके अंदर आँख की मांसपेशी भी इन्वॉल्व हो गई है। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर स्ट्रोक भी बहुत कॉमन होता है,
तो ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको भी इंजेक्शन वगैरह लगा के ठीक कर पाते हैं क्या? अगर पैरालिसिस मसल के अंदर हुआ है, आँख बहुत टाइम तक ज़्यादा डिविएटेड है और हम रिकवरी का वेट कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में मेन उनको प्रॉब्लम होती है कि जैसा आपने बताया डबल 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 दिख डबल रहा है। दिख रहा है। सो डबल डबल दिखने की वजह से अपना दिनचर्या वो नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। कई बार सर दर्द होने लगता है उनको। सो ऐसी कंडीशन में जो मांसपेशी वीक हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रॉन्गर वाली मसल है उसमें हम एक टेम्प्रेरी बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं, अच्छा तो एक तरह से वो टेम्प्रेरी बैलेंस बन जाता है दोनों मसल्स में, और जब तक रिकवरी हो रही है तब तक एटलीस्ट उनका जो डबल विजन है वो थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाता है। प्रिज्म्स का भी यूज़ करते हैं हम, स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिसके अंदर प्रिज्मेटिक लेंसेज होते हैं, उससे भी हम आँख का डिविएशन नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो अपना डे टू डे का काम ठीक से कर पाए। डॉक्टर साहब, आजकल आप देखते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है लोगों का बहुत इंक्रीज़ हो गया है। हर आदमी जो है पूरे टाइम मोबाइल जो है लेके बैठे रहते हैं, तो अगर डायबिटीज़ है और सब कुछ है और स्क्रीन भी मोबाइल भी चल रहा है, तो बड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, समय हमारा ख़त्म हो रहा है। सर, डायबिटीज़ में ड्राइनेस आँख की बहुत कॉमन हो जाती है, और जब हम स्क्रीन देख रहे हैं तो हम पलकें झपकना भूल जाते हैं। नॉर्मली 15 से 16 बार 1 मिनट में झपकते हैं, स्क्रीन देखते टाइम 2 से 3 बार मैक्सिमम। सो आँख के आंसू सूखने लगते हैं, तो उससे स्ट्रेन आता है आँख में, आँख के अंदर दर्द भी होता है। सो स्क्रीन टाइम कंटिन्यूस ना रखें, 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपने देखा फिर एक ब्रेक ब्रेक लें। कर दें। देखिए सो ब्रेक ले लेके अगर आप करेंगे तो आपकी आँख पे लोड भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में, क्योंकि आँख है तो जहान है, और अगर आँख नहीं तो कुछ नहीं। आप उनसे पूछे जिन्होंने इस दुनिया को देखा नहीं है। डायबिटीज़ है, रेटिना का ख़तरा है, नज़र पूरी चली जाएगी, लेकिन अगर सही समय पर आपने डॉक्टर की सलाह ले ली, खासकर रेटिना विशेषज्ञ की, तो वो इंजेक्शन के द्वारा और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा आपकी आँख की रोशनी वापस ला सकते हैं। आशा है आप लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी की जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर।